नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि उन्होंने कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह के लिए फिल्म द केरला स्टोरी के 2 टिकट बुक करवाए हैं। फिल्म देखने के बाद उनके विरोध कर दृष्टिकोण बदल जाएगा। झारखंड के कांग्रेस विधायक ने भी उसको अपोज किया है कि अगर फिल्म दिखाई तो आप तमिलनाडु में देन हो गई है। मैं 2 टिकट लिए हैं, माननीय दिग्विजय सिंह जी को और कमलनाथ जी को भेज रहा हूं। शायद दृष्टिकोण दिग्विजय सिंह जी का थोड़ा बदले। को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समय सीमा प्रकरणों की समीक्षा बैठक में सीईओ जिला पंचायत डॉक्टर परीक्षित झाड़े ने रामनगर में मुख्यमंत्री जी के 12 मई को प्रस्तावित दौरा कार्यक्रम की तैयारियों सहित सीएम हेल्पलाइन के लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। सीआईडी के टीआई सिद्धार्थ प्रिय दर्शन की शराब के नशे में हंगामा। एमपी नगर थाने में पुलिसकर्मी के साथ की मारपीट और झूमा झटकी। सार्वजनिक जगह पर शराब पीते पकड़ आए थे सिद्धार्थ प्रिय दर्शन। पुलिस के पास मारपीट का सीसीटीवी आया सामने। टीआई का रौब दिखा रहे थे सिद्धार्थ प्रिय दर्शन। सेना का विमान घर पर गिरा, 2 लोगों की मौत। दोनों पायलट सकुशल जयपुर राजस्थान के हनुमानगढ़ में सेना का एक छोटा प्लेन क्रैश होकर एक घर पर जा गिरा, जिसमें एक महिला सहित 2 लोगों की मौत हो गई और मकान मलबे में तब्दील हो गया। दुर्घटना से पहले प्लेन के दोनों पायलटों की पैराशूट से कूदने से जान बच गई। दुर्घटनाग्रस्त प्लेन सेना का फाइटर MiG-21 बताया गया है, जो ट्रेनिंग उड़ान पर। सोमवार को सतना में हुआ महानेत्र शिविर का भव्य आगाज। पहले दिन 1,500 से ज्यादा लोगों को मिला इलाज। सतना के इतिहास में पहली बार निःशुल्क महानेत्र शिविर का आयोजन 8 मई सोमवार को हुआ। मधुरिमा सेवा संस्कार फाउंडेशन एवं IMS फाउंडेशन द्वारा सतना के सरस्वती विद्यापीठ आवासीय विद्यालय में 3 दिवसीय शिविर की शुरुआत 8 मई 2023 को हुई। इससे पहले 11 बजे शुभारम्भ के मौके पर सांसद गणेश सिंह, सतना महापौर योगेश ताम्रकार, सतना कलेक्टर अनुराग वर्मा, SP आशुतोष गुप्ता, IMS की CSR हेड डॉक्टर स्वप्ना सिंह, महाकौशल कार्यवाह उत्तम बनर्जी, वरिष्ठ डॉक्टर संदीप माहेश्वरी जी रहे उपस्थित। गौरतलब है कि शिविर में दर्जनों डॉक्टरों की टीम लोगों का इलाज करने बेंगलोर और भोपाल से आई है और पहले दिन करीब 1,500 लोगों का इलाज हुआ। मरीज की जांच, दवा और चश्मे और आंखों का ऑपरेशन पूर्णतः निःशुल्क रहा। मरीजों के लिए खाने की उत्तम व्यवस्था भी की गई। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सेवा भारती, भारत विकास परिषद, अमर ज्योति एवं सक्षम जैसी सेवा संस्थाएं भी इस कार्यक्रम में अपना सहयोग दे रही है। ब्रांच व डबरा सिटी पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। बदला लेने की नियत से मुनीम पर फायर कर गोली मारने वाले 2 आरोपियों व नाबालिग को पुलिस ने पकड़ा। आरोपियों से घटना में प्रयुक्त एक देसी पिस्टल में 2 जिंदा राउंड तथा एक वॉक्सर मोटरसाइकिल की जब्त। क्राइम ब्रांच व थाना झांसी रोड पुलिस की हथियार तस्कर के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई। ग्वालियर पुलिस की अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई में एक बदमाश को 4 देसी कट्टे व 2 जिंदा राउंड सहित किया गया गिरफ्तार। क्राइम ब्रांच एवं थाना कोतवाली पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। पुलिस ने IPL क्रिकेट पर ऑनलाइन सट्टा खिलवा रहे एक सट्टेबाज को कोतवाली क्षेत्र के दही मंडी के पास से पकड़ा। पकड़े गए सटोरियों से 2,700 रुपए नगद, एक मोबाइल किया जब्त। सटोरियों से मिला लगभग 1,25,000 का हिसाब किताब। ID उपलब्ध कराने वाले कोरसा निवासी खाई बाज के खिलाफ 109 भादवी की कार्रवाई। सीहोर शहर के सैकड़ा खेड़ी रोड पर दर्दनाक सड़क हादसा। तेज रफ्तार बाइक कार की भिड़ंत, हादसा CCTV कैमरे में हुआ कैद। हादसे में एक बाइक सवार युवक हुआ गंभीर रूप से घायल। हादसे का CCTV आया सामने। टक्कर के बाद कार सवार हुआ मौके से फरार। केरल स्टोरी फिल्म को लेकर चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। इस बीच इस फिल्म की एंट्री कर्नाटक चुनाव में भी हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए फिल्म का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि फिल्म आतंकी साजिशों को लेकर बनाई गई है। इसके जरिए आतंकवाद के खौफनाक और असली चेहरे को बेनकाब किया गया है। कांग्रेस आतंकवाद के खिलाफ बनी इस फिल्म का विरोध कर रही है। वे आतंकी प्रवृत्तियों के साथ खड़े हैं। कांग्रेस ने हमेशा
वोट बैंक के लिए आतंकवाद का बचाव किया है।